नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर सेकंड की सेकंड वीडियो। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 का मेंशन किया गया है। इससे पहले आप वीडियो फर्स्ट को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वीडियो फर्स्ट में पूरा मेथड, पूरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको इस चैप्टर में यूजफुल होता है वो मैं उस पर मेंशन कर चुका हूँ। तो सबसे पहले उसे आप देख लें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट वीडियो जो है प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो आज मैं चलता हूँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल होता क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है और कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पॉलीनोमियल्स का जीरो। हमने पहले एक्सरसाइज बताए हैं कि जीरोज क्या होता है, यानी जिस पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम फैक्टर्स करते हैं तो उसके दो जीरो होते हैं क्योंकि उसकी डिग्री दो होती है। क्यूबिक पॉलीनोमियल को जो फैक्टर करते हैं तो उसके 3 जीरो मिलते हैं क्योंकि डिग्री 3 होती है। तो किसी भी पॉलीनोमियल का जितनी जो है डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जो है 0 1 होगा। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है तो 2 होगा। क्यूबिक का डिग्री 3 है तो उसके 3 जीरो होंगे। इस प्रकार से जितनी डिग्री बढ़ती चली जाती है उस पॉलीनोमियल का उतने ही डिग्री बनता चला जाएगा, उतना ही जीरो बनेगा। जितनी डिग्री होगी उतने जीरो होंगे, जितने जीरो होंगे उतने उसी डिग्री का वो पॉलीनोमियल होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट चलते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बिकेम जीरो। द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। एक बार फिर से देख लीजिएगा, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल में हम एक पॉइंट आपको लेते हैं, जैसे कोई आपका एक पॉलीनोमियल है पीएक्स, कोई पीएक्स एक आपकी पॉलीनोमियल है, यह है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपका एक पॉलीनोमियल है। अब हमें इसके जीरो फाइंड करना है, कैसे जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो पहला नंबर हमारा यही है कि द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। अब सबसे पहले हम यहां ध्यान रखना है कि इस x की वैल्यू में, इस वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि पॉलीनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 रखते हैं तो 1 रखने पर सारे पॉजिटिव है तो जीरो होने का कोई चांस नहीं है। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में भी सारे पॉजिटिव हो जाएगा तो जीरो होने का चांस नहीं है। तो -2 रख करके हम देखते हैं, द -2 यानी p -2 जहां जहां x है वहां पर -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 + 6। अब p -2 4 प्लस माइनस ईयर 5 × 10 प्लस 6 p -2 इज इक्वल टू 6 + 4 = 10 10 - 10 तो p -2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया, अब यहां पर जो है 0 हुआ, इसका मतलब यह है कि x की जो -2 जो वैल्यू है इस पॉलीनोमियल का एक 0 होगा। अगर यह पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसके 2 जीरो होंगे,
इससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो उसके थ्री जीरो होंगे। तो यहां पर जो है फाइंड आउट करना है कि जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो डेफिनेशन में आपको क्लियर बताया हूं, द रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल होता क्या है। अब कैसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल निकाला जा सकता है और किस प्रकार से उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, एग्जांपल तो ऑलरेडी सॉल्व है। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। एक आपका पॉलीनोमियल दिया गया है, मान लीजिए कि आपका पीएक्स एक वैल्यू दी गई है, पॉलीनोमियल दी गई है, ये वैल्यू है 5x-4x² +3 एट एक्स इज इक्वल टू 2 मान के चलते, x इक्वल टू 2 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जो भी वैल्यू है। यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट का ये थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब यहां पर दिया है कि इस वैल्यू में हम इस पॉलीनोमियल में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू। अगर वैल्यू फाइंड करने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू गिवन है उस पॉलीनोमियल में आप उसको पुट कर दो। जैसे हमने पुट किया p x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, एट x इक्वल टू 0 तो हम 2 रख दिया। अब ये लेगा 5×2 -4×2² + 3। तो p2 5×2 = 10 -2×2 = 4 4×4 = 16 और +3 तो p2 = 13 - 16 तो p2 = -3। अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू होगी क्या, हो -3। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, पूछा गया है पॉलीनोमियल दिया गया है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है फाइंड p0 p1 p2 ऑफ ईच ऑफ द पॉलीनोमियल। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मेंशन करने जा रहा हूं, सो ये दिस इज द क्लियर ना। आप इसको जहां जहां दिक्कत हो बेटा तो एक बार उसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट से आपके पास रिवीजन के टाइम में आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉलीनोमियल है px इक्वल टू, यहां p के स्थान पर x के स्थान पर y है, y गिवन है, ठीक है। वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y गिवन है और y² - y+1 py = y² - y+1 ये आपका पॉलीनोमियल है। आपको फाइंड क्या करना है, यहां लिख लीजिए फाइंड p0 p1 p2, ये चीज फाइंड करना है। तो p1 p2 p3 whatever आर गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट वैल्यू p0, फर्स्ट स्टार या राइट p0, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 0² - 0+1। तो p0 = 0 - 0+1 तो p0 = 1, ठीक है। सिंपल यह है कि उसी वैल्यू को उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट गिवन है p1 चाहिए, p1
वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन पी वन इजकल टू वन के स्क्वायर माइनस वन प्लस वन पी वन इजकल टू वन माइनस वन प्लस वन पी वन इजकल टू टू माइनस वन पी वन इजकल टू वन ये आपको फाइंड करना। वन मोर पॉइंट इज सेकेंड पॉइंट गिवन थर्ड स्टार्टिंग हियर पी टू y स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन पी टू इजकल टू टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन पी टू इजकल टू फोर माइनस टू प्लस वन पी टू इजकल टू फाइव माइनस टू पी टू इजकल टू थ्री आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब जो भी वैल्यू आपको इस तरह से वैल्यू निकालने की तरीका है कि आप जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लीजिए। जीरो का डेफिनेशन याद रखिएगा, अगर जीरो का डेफिनेशन याद है जीरो जब द पॉलीनोमियल का तो इस वैल्यू में तो जो भी वैल्यू आपको दी जा रही है वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बिकेम जीरो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर, सिंपल डेफिनेशन, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल बिकेम जीरो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद है कि आपका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन थर्ड भी है, बहुत सारे पॉलीनोमियल दिया गया है, वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। अब वन क्वेश्चन मोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर आस्किंग फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। अब फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, यहां पर पी एक्स गिवन है, पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव, और इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो के लिए पहले मैं आपको बता दिया हूं कि द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल के एक ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जो इस वैल्यू को जीरो कर दे। द रियल वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलीनोमियल बिकेम जीरो। अब यहां पर हम कैसे वैल्यू पुट करते हैं जो इसको पूरा का पूरा जीरो कर दे। इसको फाइंड करने के सिंपल तरीका हमारे पास यह है कि एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब माइनस फाइव भी क्या होगा, इसका एक जीरो होगा। हम चेक कर सकते हैं कि पी का माइनस फाइव इजकल टू, जहां जहां एक्स है वहां पर माइनस फाइव पुट कर दें तो देखिए जीरो बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फाइव इजकल टू जीरो, तो p माइनस फाइव इजकल टू जीरो। अब यही एक रियल वैल्यू है वेरिएबल का, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस फाइव पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए इसका एक जीरो हो जाएगा। क्लियर, अब चूंकि ये लीनियर पॉलीनोमियल है तो इसके जीरो एक ही होंगे और कोई वैल्यू इसके नहीं हो सकते। क्लियर, तो अब ये एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो गया। अब 2.3 में हम चलते हैं, एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 2.3 यहां सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको याद रहेगा तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीनोमियल का हम रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। रिमाइंडर तो होता है अपने डिविडेंड इज कॉल्ड टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर डिविडेंड को डिवाइजर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो है रिमाइंडर बच जाता है।
अब ये मेथड आप रिमाइंडर थ्योरम कहता है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रिमाइंडर उसके लिए हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम है इफ पीएक्स इज डिवाइडेड बाई एफ, इफ पीएक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इज पीए। अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर कोई भी आपका पॉलीनोमियल है जो गिवन है और रिमाइंडर आपको फाइंड करना है तो क्या रिमाइंडर होगा। जैसे एक पॉलीनोमियल आपका दिया गया है px आपका एक पॉलीनोमियल है, ये पॉलीनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx एक जो है आपका लीनियर पॉलीनोमियल है x + 1 ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल x + 1 या x + a, रिमाइंडर इज pa, pa का मतलब है जहां जहां x है वहां पर हम a पुट कर देंगे और जो होगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो हमारे पास ये है px इज डिवाइडेड बाय gx ए लीनियर पॉलीनोमियल, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर p, a के स्थान पर क्या 1 है तो p1 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, हम सिस्टम से निकालेंगे, आंसर तो डायरेक्ट कर लेंगे लेकिन सिस्टम क्या है सिस्टम से हिसाब करेंगे। पहला तो हमारे पास ये है, यहां पर इतना पड़ेगा therefore x + 1 = 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब पुट द वैल्यू ऑफ x = -1 इन दिस इक्वेशन, इस वैल्यू को हम जो है इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम रूल से रूल ही है if px is divided by gx इज ए लीनियर पॉलीनोमियल x - a द रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए, तो जहां जहां एक्स है वहां पर हमें ए रख देंगे। सो अब यहां पर हमें पुट करेंगे वैल्यू को पी एक्स इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो माइनस जहां जहां एक्स है वहां पर -1 पुट कर दीजिए, तो -1³ + 3 × -1² + 3 × -1+1, तो p - 1 = यहां -1 होगा +3 होगा -3 होगा +1 होगा, तो p - 1 = 4 - 4, p - 1 = 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 0। ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को हम उसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट करने के बाद जो है जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अब इस रिमाइंडर को हम एक दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूं, डिवीजन के मेथड से, कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है। ठीक है, डिवाइड करके मैं बता रहा हूं कि डिवाइड करने पर जो है इसका थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम कैसे होगा। तो इसी थ्योरम को हम डिवाइड कर देते हैं कि x³ + 3x² + 3x + 1 + 1, आप डिवाइड करते हैं x + 1 से, x + 1। अब इसको डिवाइड करने का सबसे सिंपल तरीका आपका यही है कि फर्स्ट डिजिट लाने के लिए इस डिवाइजर में x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें,
तो फर्स्ट डिजिट लाना है, बाकी को छोड़ दीजिए। तो फर्स्ट डिजिट लाने के लिए हमें x स्क्वायर से अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते क्या बनेगा, x क्यूब बचेगा, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें इसको माइनस माइनस साइन को चेंज करेंगे माइनस करने के लिए, तो ये कट जाएगा, यहां पर बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस अब ये वैल्यू आपको 3x नीचे आ जाएगी, क्लियर। अब फिर यहां 2x स्क्वायर लाना है तो हमें यहां पर प्लस 2x ले जाएंगे, प्लस 2x चांस, तो यहां पर जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2x, 2x साइन चेंज कर दीजिए, कट जाएगा, यहां पर बचेगा कितना x, अब प्लस इसको हम यहां पर 1 कर देंगे, अब यहां पर प्लस 1 चांस ले जाएंगे, तो x आ जाएगा x प्लस 1, फिर साइन चेंज कर लेंगे, कट करके देखिए यहां पर भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अगर डिवाइड करके भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के रिमाइंडर थ्योरम से जो है हमें वैल्यू फाइंड करना है तो आराम से निकाल सकते हैं, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो दो पॉइंट इस वीडियो में आपको, दो पॉइंट मैंने आपको मेंशन कराया, पहले दो एक्सरसाइज 2.2 में आपको मिला जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बिकेम जीरो इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, या सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। सेकेंड पॉइंट है एक्सरसाइज 2.3 में आपको मिला है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलीनोमियल x माइनस a द रिमाइंडर इज pa, सच थ्योरम्स आर सच प्रोसेस आर कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल से रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन है कि किसी भी पॉलीनोमियल को हम लीनियर पॉलीनोमियल का x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है pa के बराबर, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इसी से हमने डिवाइड किया था, x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस 1 पुट करना पड़ा, x माइनस a से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है x प्लस a रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में यही दो पॉइंट थ्योरम था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया 2.2 और 2.3 पर। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2.4 में, उसके बारे में आपको मेंशन करने जा रहा हूं, बहुत आसान थ्योरम है ये, एक्सरसाइज 2.4 है एक्सरसाइज 2.4, यह है फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल, यह है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलीनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलीनोमियल, हम पॉलीनोमियल को फैक्टर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसका पॉइंट्स क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलीनोमियल का, एक ही मेथड है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। अब ये क्या चीज होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो हम एक पॉलीनोमियल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक आपका पॉलीनोमियल है, इस पॉलीनोमियल में हमें सबसे ध्यान रखना है कि इस पॉलीनोमियल को हम फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन करना है, तो मिडिल टर्म के मेथड्स हम कैसे करेंगे, तो मिडिल टर्म का यह सिस्टम है कि इस वैल्यू को ऐसा फैक्टर बनाइए, इस वैल्यू का ऐसा फैक्टर बनाइए जो प्लस करने पर या माइनस करने पर मिडिल की वैल्यू आ जाए, मिडिल की वैल्यू आ जाए। अगर मान लें यहां पर कोई कोफिशियंट है तो इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर इसको देखेंगे इसका फैक्टर कितना हो रहा है, तो
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको कहता है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो हम 6 का फैक्टर बनाइए। 6 का क्या फैक्टर हो सकता है, 2 into 3 बन सकता है, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो अब देखिए x स्क्वायर प्लस, अब 5 के स्थान पर हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस 2x, एक्स से बाहर लिख दीजिए प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सिंपल है एक्स स्क्वायर, अब ब्रेकेट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 प्लस यहां 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 फर्स्ट ब्रेकेट में हो जाएगा, x प्लस 2 सेकेंड ब्रेकेट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, अब यही फैक्टराइजेशन का हमें अगर 0 लेना है तो अगले 10th क्लास में इसका मेंशन किया गया है कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहां पर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। यहां पर 0 ज्यादा पॉलीनोमियल, अगर ये पहला जो वैल्यू होती है ये फर्स्ट 0 होगा, दूसरा जो है सेकंड 0 होगा, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी दो 0 मिलेंगे, दो वेरिएबल ऐसे मिलेंगे जिसको पॉलीनोमियल में पुट करने पर वो उसको रिमाइंडर 0 कर देगा। 0 होगा तो उसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं है, सिंपल सी चीज है इसको बताने के लिए। तो अब क्वेश्चंस में आएगा, दे रहेगा क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको हम एक्सरसाइज में करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज बहुत आसान है, एक बार आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि फैक्टर क्या होगा अगर वो डिमांडर 0 करेगा, वो वेरिएबल जो है तो ही वो 0 है, नहीं तो 0 नहीं है। 0 जाकर पॉलीनोमियल का हम डेफिनेशन आपको दे दिया है, द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच The value of polynomial became 0 is called as the zero of the polynomial. Same to same यही है, determine px given है, one question given, this is the exercise 2.4 का first question, exercise 2.4 question number first, px given है x के power 3 plus x square एक्स के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दिया गया है जीएक्स, जीएक्स दिया गया है एक्स, जीएक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया गया। अब ये पूछा गया है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर, क्या इसका एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो सिंपल सी पहचान है कि अगर हम इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, 0 अगर रिमाइंडर हो जाएगा तो उसका फैक्टर होगा, अगर 0 रिमाइंडर नहीं हुआ तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहले इसको रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कैसा है, अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उसका फैक्टर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हाउ विल फाइंड द 0, तो रिमाइंडर फाइंड करने का मेथड आपका है रिमाइंडर थ्योरम से, therefore x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to minus 1, x के स्थान पर क्या पुट कर देना है, minus 1 पुट कर देना है, यहां पर लिखेंगे px is equal to x cube plus x square plus x plus 1, अब इसकी वैल्यू minus 1 हम पुट कर देते हैं यहां पर, minus 1 के cube plus minus 1 का square प्लस माइनस 1 प्लस 1, तो p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो p माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2, तो p माइनस 1 इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर कुछ भी बच जाता है खुद उसका मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। फैक्टर का मतलब ही है कि px से अगर हम gx को डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात रिमाइंडर उसका 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इस एक्सरसाइज में ये इतना ही मेंशन किया गया है और ज्यादा नहीं है, और
एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम और पीएक्स और जीएस का जो है फैक्टर फाइंड करना है, तो आराम से जो है इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, वन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में आता है, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्सरसाइज में हम के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर पीएक्स दिया गया है, पीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के गिवन है, और जी एक्स की वैल्यू भी दिया गया है एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है जीरो का, लिखा हुआ है कि ऑलरेडी कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस वन अगर पी एक्स का फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है रिमाइंडर जीरो होगा। तो हमें रिमाइंडर जीरो होने का मतलब है कि रिमाइंडर के प्लेस पर हम जीरो पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आराम से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू में वन पुट करना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब ये रिमाइंडर जीरो होने का मतलब ये है कि यहां पर हमें पी वन की वैल्यू पुट करेंगे तो वन के स्क्वायर प्लस वन प्लस के, तो पी वन इज इक्वल टू वन प्लस के, तो पी वन इज इक्वल टू टू प्लस के। अब ये रिमाइंडर के प्लेस पर यहां लिख सकते हैं देयर फोर कि रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, ये जो रिमाइंडर वैल्यू होगा हम इसके स्थान पर जीरो पुट कर देंगे, तो यहां से ऋणा लेकर के आगे लिख लीजिए देयर फोर पी वन इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो होगा, क्योंकि फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। अब यहां पर रख लेंगे कि टू प्लस k इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू माइनस टू, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आता है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बाकी जो है अब आपका इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया हूं यही चीज को कि ढंग से अगर आप कर लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन आपका फैक्टर के थ्योरम क्या है, फैक्टर्स के लिए है, क्वेश्चन नंबर फोर है, लिखा हुआ 12x² - 7x + 1 दिया गया। इसका केवल फैक्टर पूछा गया है, फैक्टराइज करना है, केवल फैक्टर लगाना है, तो मिडिल टर्म इज मीटिंग।